हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइडेड लव वाइब्रेशन मेडिटेशन। ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जो अपनी लव मैरिज के लिए अपने पेरेंट्स या अपने पार्टनर के पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस के साथ, हैप्पीनेस के साथ उनकी शादी उनके प्यार के साथ हो जाए। तो ये लव वाइब्रेशन मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा आपके पार्टनर के साथ इजीली यूनाइट होने में, अपने पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग के साथ। आपके पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स आप दोनों की शादी के लिए अगर नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल भी ना बोल चुके हैं, तो ये मेडिटेशन वो मैजिक करेगा आपकी लाइफ में, जिससे वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, आप दोनों को एक होने में हेल्प करेंगे खुद। हमारे पुराने किसी जन्मों के कर्म के कारण, किसी बर्थ में हमने उनके साथ कुछ गलत किया है, इसके कारण वो हमारे लाइफ में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। वो आपकी लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होने में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, और इस मेडिटेशन की हेल्प से आप दोनों की लाइफ में वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा और आपके पेरेंट्स बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ आपको अप्रूवल देंगे एक होने के लिए, आपकी मैरिज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैजिकल लव वाइब्रेशन मेडिटेशन फॉर पेरेंट्स। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, एक ऐसी जगह में जो बिल्कुल शांत हो, अपने घर का वो स्पेस जो बिल्कुल शांत हो और आप वहाँ अकेले हो। किसी ऐसी जगह में आप बेड पे लेट भी सकते हैं और बैठ के भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसी आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहले आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, आप दोनों के पेरेंट्स बहुत हैप्पीनेस के साथ आप दोनों की शादी में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दोनों की शादी हो रही है और वो बहुत हैप्पीनेस के साथ आप दोनों के सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या खुशी के पल है, हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हमारी शादी इतनी ब्यूटीफुली हो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, इस मैजिकल मोमेंट के लिए थैंक यू। और अब आप अपनी आंखों को बंद करके डीप ब्रीथिंग करेंगे 3 to 4 टाइम्स, जिससे हमारी बाकी सारे थॉट्स जो चल रहे हैं इसके अलावा वो बिल्कुल शांत हो जाए। तो चलिए हम अपने सपने को हकीकत में बदलने चलते हैं। इनहेल कीजिए, और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। इनहेल कीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। अपने अंदर के सारे डर, सारी नेगेटिविटी को, सारे डाउट्स को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए अपनी सांसों के थ्रू, और बाहर यूनिवर्स में मौजूद सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को इनहेल कर लीजिए अपने अंदर।
इनहेल करिए, अब एक्सहेल कर दीजिए सारे डर को, सारी नेगेटिविटी को। अब आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, जिसको भी आप ये वाइब्रेशन सेंड करने वाले हैं, उनका फेस रिमेम्बर कीजिए। और अगर आप उनके फेस को नहीं जानते तो सिर्फ उनके नाम से उनको पुकारिए, उस नाम से पुकारिए जिस नाम से आप उनको पुकारेंगे आपकी रिलेशनशिप के बाद। और इमेजिन कीजिए कि वो बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल। और अब आप उनको बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानती कि मैंने मेरे बीते हुए किसी भी जन्म में मैंने किस तरह से आपको तकलीफें दी है, किस तरह से मैंने आपको हर्ट किया है, मेरी किसी भी कर्म से, मेरी किसी भी गलती के कारण आपको जो तकलीफ पहुंची है, जो दुख हुआ है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आप ये इमेजिन करेंगे कि वो आपको बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें माफ़ किया उन सारी गलतियों के लिए जिसके कारण मुझे तकलीफ हुई, मुझे दर्द पहुंचा। अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नफरत, कोई तकलीफ नहीं है। और आप उनको बोल रहे हैं थैंक यू अपने दिल से सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए मेरी तरफ से, थैंक यू मुझे सच्चे दिल से माफ करने के लिए, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। आप उनको बोल रहे हैं आई लव यू, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है आप लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये इमेजिन करिए कि वो बोल रहे हैं कि हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी को हम चाहते हैं कि हम डबल कर दें, तुम्हारी जिंदगी में तुमको वो हर खुशी मिले जो तुम चाहते हो। और जब आप उनके मुंह से इतना अच्छा सुन रहे हैं, अपने लिए इतना प्यार महसूस कर रहे हैं, तब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू इनको मुझसे इतना प्यार करवाने के लिए, मेरी गलतियों को माफ करवाने के लिए, थैंक यू मेरी आने वाली जिंदगी को इतना बेहतरीन बनाने के लिए, थैंक यू मेरे पार्टनर के साथ मेरी शादी इतनी खुशी से सबके आशीर्वाद के साथ करवाने के लिए, थैंक यू मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अब आप जिनको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं उनको थैंक यू बोल रहे हैं और उनको बहुत टाइटली हग कर रहे हैं, वो आपको बहुत प्यार से हग कर रहे हैं, जैसे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके पार्टनर के पेरेंट्स,
लेकिन वो आपसे इतना प्यार करते हैं जैसे कि वो आपके ही पेरेंट्स हो, और अब वो आपके सपोर्ट में है, आपकी हर खुशी के सपोर्ट में है। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये पल, जो पल इतनी मेहनत के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद फाइनली आपकी लाइफ में आ गया है। अब आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी की सारी रिचुअल्स कंप्लीट हो गई है, और आप अपने शादी के मंडप से जब बाहर आ रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को और अपने पार्टनर के पेरेंट्स को प्रणाम कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग ले रहे हैं, और उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट है जिसके जो ये शो करती है कि वो बहुत खुश है आपको, आप दोनों की इस ब्यूटीफुल मैरिज के लिए। आप दोनों को अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार दे रहे हैं वो। यस, ये पल आ चुका है आपकी लाइफ में, ये रियलिटी है आपकी लाइफ की। आप दोनों एक हो चुके हो सबकी ब्लेसिंग, सबकी खुशियों के साथ आप दोनों एक हो चुके हो। यस, सी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू।